प्रकाशित कर रहे हैं, हर घर तो शराब पहुंचा दिए, चूहा तक को शराबी बना दिए, गांव गांव में शराब पहुंचा दिए, अब उसका प्रायश्चित कर रहे हैं गंगा जल पहुँचा करके। गंगा जल प्रायश्चित करें, लेकिन प्रायश्चित कर नहीं पाएंगे कि जितना बड़ा अपराध उन्होंने की। बिहार में जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, हम जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करेंगे। तो खोखली ढोल ना पीटे वास्तविकता के साथ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंची बक्सर, मीडिया कर्मियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, धर्म परिवर्तन पर बनना चाहिए कानून। नल जल की जगह गंगा जल के नाम पर अब बिहार के जनमानस को सपना दिखाकर कुर्सी बचा रहे नीतीश कुमार। शराबबंदी कानून के तहत हर घर शराब पहुंचाने के बाद प्रायश्चित करने के लिए गंगा जल पहुंचा रहे हैं, जहां पूरे बिहार में जल नल फ्लॉप है। राहुल और खड़गे को कई जन्म लेने होंगे आरएसएस को जानने के लिए। चाइना के सेक कर राहुल बोलते हैं, गुजरात चुनाव में अपनी सीट बचाए कांग्रेस। राहुल गांधी मोहल्ला मौलवी बनकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जहां टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ओवैसी पर दिया बड़ा बयान, बोले, जिन्ना ने हमारे देश का बंटवारा किया, हमारे पूर्वजों से एक भूल अगर ना हुई होती तो जहां टोटल ट्रांसफार्मर हो गया होता, आज दोबारा ओवैसी जैसा जिन्ना हमारे देश में पैदा नहीं होता। जो समाज में विषमता पैदा करना चाहता है, देश की समृद्धि ज्यादा जरूरी है या हर चीज में मुसलमान। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे हिंदू एक हो जाओ, लेकिन वह बार बार कहते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ। देश के अंदर वोट मांगते हैं हिंदू मुसलमान करके, अगर ओवैसी ऐसे करेंगे तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पूर्व गिरिराज सिंह ने उक्त बातें कहीं। संजय उपाध्याय की रिपोर्ट, सिटी न्यूज बक्सर से। बिहार में जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, हम जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करेंगे। आज हमें जरूरत है विकास के लिए, अगर बिहार में विकास करना है तो जनसंख्या नियंत्रण लागू करना होगा। देश के अंदर में बिहार उन राज्यों में से आता है जहां फर्टिलिटी रेशियो सब अधिक है। अब नीतीश कुमार हर घर जल नल के बजाय अब हर घर घर गंगा जल भेज रहे हैं, इस पर क्या आप कहेंगे? मैं क्या कहूँ, नीतीश जी के साथ मैं मंत्री रहा हूँ, मेरे मुख्यमंत्री हैं। आजकल तो सबों को सम्मान भी दे रहे हैं, छोटे बड़े को भी प्रणाम कर रहे हैं, कई जगह मैं देखता हूँ। लेकिन नीतीश जी ने गंगा जल पहुँचाया है गया में और नालंदा में, शायद नवादा भी कह रहे हैं। मैं उससे दुखित नहीं हूँ, खुश हूँ, कम से कम गंगा जल पहुँचा रहे हैं। लेकिन हर इंसान को प्रायश्चित करने का अधिकार है, नीतीश जी भी प्रायश्चित कर रहे हैं। हर घर तो शराब पहुँचा दिए, चूहा तक को शराबी बना दिए, गांव गांव में शराब पहुंचा दिए, अब उसका प्रायश्चित कर रहे हैं गंगा जल पहुंचा करके। गंगा जल प्रायश्चित करें, लेकिन प्रायश्चित कर नहीं पाएंगे कि जितना बड़ा अपराध उन्होंने की है। बिहार में हर घर नल जल बना है, अगर हिम्मत है तो थर्ड पार्टी सर्वे करा दे नल जल की स्थिति क्या है। बक्सर ज़िले में भी करा ले, मैं बक्सर में बैठा हूँ, और मुझे बता दे पंचायतें पंचायत की क्या स्थिति है। तो खोखली ढोल ना पीटे वास्तविकता के साथ। देखिए, जो ओवैसी हैं, दुर्भाग्य से एक जिन्ना ने देश का बंटवारा किया, हमारे पूर्वजों से अगर थोड़ी सी भूल ना हुई होती, अगर उसी समय टोटल ट्रांसफर हो गया होता, आज दोबारा ओवैसी जैसा जिन्ना नहीं पैदा लेता, जो समाज में विषमता पैदा करना चाहते हैं। देश की समृद्धि ज़्यादा जरूरी है कि हर चीज़ में हिंदू और मुसलमान? हमने तो कभी नहीं कहा कि सारे हिंदुओं एक हो जा, लेकिन वो तो बराबर कहते हैं कि मुसलमानों एक हो जा, और वो देश के अंदर वोट मांगते हैं हिंदू मुसलमान करके। अगर
ओवैसी ऐसा करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक हो। उपेंद्र कर रहे हैं क्या कहें? देखिए मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। आज देश के अंदर में अभी बिहार में बाय इलेक्शन हो रहा है, पीछे भी हुआ आगे भी चुनाव होगा। मुस्लिम वोटों की चिंता महागठबंधन को बड़ा तेजी से है, हिंदुओं का बिखराव, ये आखिर हिंदुओं को कौन देखेगा? महागठबंधन तो मुस्लिम को देख रहा है, हिंदुओं को कौन देखेगा? आज बिहार में बड़ी तेजी से धर्म परिवर्तन चल रहा है। आज पूर्वांचल की स्थिति ये हो गई है कि पूर्वांचल में लगता ही नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं। क्या कहीं बांग्लादेश तो नहीं आ गए हैं ये घुसपैठियों का? लेकिन बिहार सरकार कभी नहीं ये सर्वेक्षण कराएगा कि कौन बांग्लादेशी सीमांचल जिलों में आया है। आज हर जिले में ईसाइयों द्वारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है, इसमें ना बक्सर अछूता है ना मेरा जिला लखीसराय अछूता है, जहां ये काम नहीं हो रहा है। इसे कानून बनना चाहिए, हर राज्य को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए धर्म परिवर्तन के लिए, जो धार्मिक परिवर्तन लोभ पैसे प्रोत्साहन दे करके धर्म परिवर्तन कराते हैं, इसके लिए कानून बनना चाहिए। राजदी को रोका, अगर आप देखें तो 79 के पहले भारत का जीडीपी चाइना के जीडीपी से अधिक था, लेकिन आज हमसे अधिक उसका जीडीपी है। उसका कारण था जनसंख्या नियंत्रण कानून। आज चाइना एक मिनट में 10 बच्चे पैदा कर रहा है, हम 31 बच्चे 33 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो एक ऐसा कड़ा कानून आए देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों पर समान रूप से लागू हो, जो ना माने उनको सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाए, जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देने की जरूरत है। तभी देश का सामाजिक समरसता, तभी देश का आर्थिक विकास, क्योंकि संसाधन सीमित है। और ये भी याद रखिए, भारत में बहुसंख्यकों की आबादी गिरेगी तो सामाजिक समरसता भी टूटेगा, लोकतंत्र भी खतरे में पड़ेंगे और आर्थिक समृद्धि में भी कमी आएगी। इसलिए ये जरूरी है, और आने वाले दिन में तो मैं तो कहता हूँ कि देश को हर नागरिक की अपनी पहचान हो, पहचान पत्र। आज सरकारी नौकरी करता है पहचान पत्र रखता है, लेकिन देश के नागरिक का एनआरसी वही तो है, पहचान पत्र। एनआर